तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग का साइंस क्लास टेंथ का साइंस का 5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 5 लेसन पूरा जितना इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला उसको 5 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली तरीके, जितना मैं बताऊंगा उतना अगर करके गए 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का जो भी पेपर होगा उसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बहुत कम समय बाकी है, आप लोग का पूरा कर सकते हो बहुत ईजिली तरीका। किस तरीके से करना रहेगा वो चीज आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले ये देखो प्रैक्टिस पेपर, देखो प्रैक्टिस पेपर हिंदी मीडियम का, ध्यान से सुना, हिंदी मीडियम का 2023 का प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद देखोगे यहां पर 2022 का प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश मीडियम का, देख लो आप लोगों को पूरा, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को सबूत चाहिए ना, तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अब इसमें देखो ये है 2019 का प्रैक्टिस पेपर, उसके 2000 देखो 2023 का इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिस पेपर। पूरा इसी तरीके से मेरे पास सबके सब 21 भी रखा हूँ, सब कुछ रखा हूँ। अब मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से कौन से लेसन से क्या पढ़ा जाए। ये दिखाना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये विश्वास नहीं होता कि सर किस तरीके से कहाँ से दे रहे हो, कहाँ से इंपॉर्टेंट आप बता रहे हो। तो मैं ये भी बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है 2019 से, वो भी पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने का, तब मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान से सुना, क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लस आप लोग को क्या करना चाहिए, कौन से लेसन से क्या पढ़ना चाहिए। 5 लेसन आ रहा है, 10 लेसन पूरा टोटल है। अभी देखो बहुत सारे स्कूल में छठवा भी पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि उनको पोर्शन कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, दीपावली आने वाला, उसी में आप लोग का पूरा देखो एक्स्ट्रा बुला के आप लोग का कंप्लीट करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं जो भी बता रहा हूं आप लोग का। साइंस वन का आज मैं आप लोग को बताता हूं, साइंस टू का आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बता दूंगा। देख रहे हो यहाँ साइंस का है, साइंस का मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए वो चीज, और कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, क्या अंदर से करना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हो सिर्फ एक्सरसाइज से करके जाए पूरा कंप्लीट हो जाए तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, आप लोगों का पूरा नंबर आउट ऑफ कभी भी नहीं आएगा। तो इतना समझ लेना, जितना बता रहा हूं उतना करके गए, 110% मैं गारंटी लेता हूं उसके अंदर से बहुत सारा फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा। और 5 घंटे में किस तरीके से कंप्लीट करें वो भी चीज आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ 5 घंटा लेकर अगर बुक बैठ गए ढंग से, जिस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा वो चीज आप लोग का कंप्लीट हो जाए। किस तरीके से वो चीज ध्यान से सुना, सबसे पहले आप लोग साइंस का बुक उठाओ, साइंस वन का टेक्स्ट बुक उठाओ, और आप लोग को बस टेक्स्ट बुक उठाओ फिर उसका डाइजेस्ट लेना। बाकी सबसे पहले टेक्स्ट बुक लो, कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा दिया, बहुत सारा समझ में नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। इसके लिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का बोर्ड हो एग्जाम या तो आप लोग यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर इतना कर लिए ना तो भी आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। देखोगे यहाँ पर क्या दिया, पहला चैप्टर जो है ग्रेविटेशन है, फिर दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया गया, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन दिया गया, उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीट दिया गया। इतना चैप्टर का नाम आप लोगों को 5 लेसन आने वाले, 10 लेसन पूरा दिया गया। अब 5 लेसन में क्या किया जाए सर वो चीज, सबसे पहले ध्यान से सुना, ग्रेविटेशन जो चैप्टर मैं सिर्फ बोलूंगा ध्यान से सुनना, आप लोग इसको टिक आउट अपने बुक में करते जाना। अब इसे ग्रेविटेशन है 5 घंटे की गारंटी मैं लेता हूँ, 5 घंटा अगर जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर वो कर लिए तो आप लोगों का सब कंप्लीट हो जाएगा। देखो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन में से क्या करना चाहिए, ग्रेविटेशन से आप लोग को यहाँ पे देखो दूसरे वाले पेज पे आना है, और दूसरे वाले पेज पे आप लोग को एक सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के और बुक में टिकआउट कर लेना, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छी तरीके से करना है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिस्ट है, वहाँ पर क्या करना है आप लोग को, प्रिंसिपिया एक बुक का टाइटल है सर आइजक न्यूटन का, उनके बुक का टाइटल है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना है करके रखना है। अब उसके बाद आप लोग देखोगे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का बस डिफिनेशन, सिर्फ डिफिनेशन याद कर लो, परिभाषा जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों को बता रहा हूँ, आप लोग को बस क्या करना है उसका परिभाषा याद करना। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ का जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिया गया उसी को फर्स्ट लॉ पहले लिखना, फिर डायग्राम कंपलसरी आप लोग को बनाना रहेगा, डायग्राम बनाने का सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ लिख देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लास्ट में थर्ड लॉ में थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर का जो दिया गया क्यूब इक्वल टू दिया टी का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब दिया गया, इसको छोड़ देते, बाकी ये भी आप लोग को करना है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, पेज नंबर आ जाओ 4 पे,
पेज नंबर 4 पे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया है, उसमें आप लोग को एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन एम टू और अपॉन डी का स्क्वायर, देखोगे यहां पर है, इसको मैं आप लोग को दिखा भी दे रहा हूं, देखो यहां पर इसको आप लोग को करना, और यहां से दिस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ, देखो यहां पर दिया गया है दिस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस टू ऑब्जेक्ट एंड दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये चीज यहां बोला गया है, और ये चीज आप लोग को बस यहां लिख दोगे तो आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज आप लोग को करना रहेगा और इधर से कुछ भी नहीं करना, आ जाओ और आगे स्पीड का एक फार्मूला याद रखना, बस स्पीड का फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन अ टाइम टेकन, बस इतना करना रहेगा, उसके बाद और आगे आ जाओ। तो यहाँ पर एक दिया गया क्वेश्चन महेंद्र और विराट वाला, ध्यान से सुना, अब इस समय मैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का प्लस बोर्ड एग्जाम, मेरा टारगेट एक ही है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरे पास थे बच्चे, अभी जो पिछला निकले उसे 96-97 मैथ और साइंस में आया है, तो आप लोग भी को भी लाना है, तो याद रखना इसमें से एक महेंद्र और विराट वाला पेज नंबर 6 पे है, महेंद्र और विराट वाला पहला जो क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए और आगे आ जाओ। तो यहाँ पर एक दिया गया है पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे एक दिया वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग को प्रूफ दैट करना रहेगा, जी का मान निकालना रहेगा, जी का मान बहुत इजी है, बस बड़े वाले जी का और मास ऑफ द अर्थ का आप लोग को मान रखना, और आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, उसको रख के बस उसको कट कर दोगे 9.77 हो जाएगा, कहीं कहीं 9.8 भी होता है, तो ये आप लोग को करना है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी का मीनिंग क्या है कि चेंज अलोंग द सरफेस अर्थ पे क्या होता है, इससे बस आप लोग को इतना रखना है कि वैल्यू ऑफ जी हाइट पे कितना होता है, डिक्रीज कब होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, बस वो चीज याद रखो, बस आप लोग को हो जाएगा ए वाला। उसके बाद इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ बस उसको टिक आउट करते जाना, 110% इसके अंदर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोग को मास और वेट का करना चाहिए, मास और वेट का चार चार पॉइंट याद करो, चार पॉइंट में से एक पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग का एग्जाम्पल, प्लस तीन तीन पॉइंट हो जाएगा तो भी हो जाएगा, छोटा छोटा पॉइंट याद करना, चार पॉइंट। अब उसके बाद क्या करना चाहिए ध्यान से सुनना, मैं और आगे खोलता हूँ पेज 9-10 वाले पेज पे आप लोग को कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। 11 वाले पेज पे एक डेफिनेशन है, 11 वाले पेज पे आप लोग को फ्री फॉल करके एक डेफिनेशन दिया गया, उसको अच्छी तरीके डेफिनेशन याद करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे एक एग्जाम्पल दिया, उसे तीन क्वेश्चन दिया गया, देखो एक एग्जाम्पल है उसे तीन क्वेश्चन है, ए वाला जो दिया गया तीन क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, उससे आप लोग को अच्छे तरीके से करना रहेगा। आयरन बॉल वाला है, आयरन बॉल वाला बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, इसके लिए इसको 100% करके जाना, फर्स्ट सेमिस्टर में भी मैं गारंटी लेता हूँ इसके अंदर से सब के सब क्वेश्चन इसके अंदर से आने वाला है, जितना बता रहा हूँ उतना अगर कर डाले तो इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें जो प्रैक्टिस पेपर में आप लोग को दिखाया उसे सब के सब इसी में से, प्लस आप लोगों का प्रीवियस ईयर सब कुछ, प्रीलियम पेपर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम पेपर पिछला सब कुछ देखने के बाद तब मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों का पेज नंबर 13 पे जो दिया गया, 13 पे सबसे ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी दिया गया, यहाँ पे देखोगे पोटेंशियल एनर्जी दिया गया, ये वाला आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या करना रहेगा, एक एस्केप वेलोसिटी का डिफिनेशन, एस्केप वेलोसिटी का और फ्री फॉल और मास और वेट और केप्लर्स, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आ जाओ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से मैं यही सजेस्ट करूंगा, बस एक्सरसाइज से आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, जितना दिया गया सब कर डालो, सब के सब कर डालो 100%, सब एक भी छोड़ना नहीं है, कौन सा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऑड मैन आउट और ट्रू फॉल्स, अगर दिया है तो मैच द कॉलम, इतना आप लोगों को पूरा करना है। उसके देखो क्वेश्चन पहला कर लिए, मैच द कॉलम दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं बता दिया ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी आप लोग को बता दिया, और क्वेश्चन नंबर जो पांच तीसरा सी था दूसरे का सी वो भी बता दिया। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 पे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला जो दिया, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग को करना रहेगा, बस आप लोग को और कुछ भी इस पे इसमें पे लेसन में से पहले से नहीं करना है।
अब आ जाते हैं दूसरे लेसन पे। दूसरा लेसन जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से दिया गया, इसको अगर आप बताओ कितना घंटा लग सकता है आप लोग को पहला लेसन पढ़ने, बस आप लोग को लमसम आप लोग को आधा घंटा नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तो अगर अपने अंदर से हो जाता मैं करना है हमको कुछ, तो 100% हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत भारी है, तो नहीं होगा। आप लोग एक ट्रस्ट करके प्लस अपने ऊपर एक ट्रस्ट करके कि मैं एक चीज कर सकता हूँ, तो 110% आप कर सकते हो। मैं यही बोलूंगा कि आप कर सकते हो। कोई भी बोलता है कि आप नहीं कर सकते, मैं बोलता हूं आप कर सकते हो, तो 100% आप कर सकते हो। बस अपने अंदर से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, 100% आप कर सकते हो। बस आपको करना है, जिस दिन माइंड में आ गया कि हमको ये चीज करना है तो करना है, कोई नहीं रोक सकता। बस यही चीज है कि अपने अंदर जब आ जाता है मेरे से नहीं हो सकता, तब होता है कि मेरे कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए बोलता हूं कभी भी हार मत मानो, बार बार ये प्रैक्टिस करो, 100% आएगा। कभी भी हार मत मानो, बस क्या करो मुझे करना है तो 100% देना है, जिस पे देना है 100% देना है। पढ़ रहे हो तो 100% ही सिर्फ दो। अपने से एक चीज दूर रखो, मोबाइल, प्लस अपने दोस्ती यारी छोड़ दो, बस आप लोग का काम अच्छा चलने लगेगा। बस दोस्ती यारी और मोबाइल छोड़ दोगे तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे लेसन पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से क्या किया जाए। तो इसमें से आप एक डोब्रायनर ट्राइड्स कर सकते हो, इसका डिफिनेशन, डिफिनेशन करने के बाद इसमें से तीन दिया गया है, लिथियम, सोडियम और आप लोग को पोटेशियम, यहाँ पे दिया गया एक लाइन ए वाला याद कर सकते हो, और इसका डोब्रायनर का ट्राइड्स का सिर्फ डिफिनेशन याद कर लेना। अब उसके बाद आप लोग को आता और नीचे आ जाओ, आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे क्या करना चाहिए, पेज नंबर 18 पे यहाँ पे देखो दिया गया, एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुना, यहाँ पे दिया गया क्या दिया गया है, दिस वर्टिकल कॉलम इज दिस मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, वाइल द हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। बस इसको याद रखना किसको क्या बोला जाता है, ये चीज हो गया। उसके बाद इधर से कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना। अब आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर 19 पे, मैरिट और डीमेरिट दोनों का तीन तीन पॉइंट याद करना, तीन तीन पॉइंट मैरिट और डीमेरिट का याद करके रख लो मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल का। आप लोग को क्या करना, मैरिट और डीमेरिट याद करके रख लो। मैं अपने क्लास में ऑलरेडी मेरा साइंस पूरा कंप्लीट हो गया पढ़ा के, साइंस वन साइंस टू पूरा कंप्लीट हो चुका, एक भी लेसन बाकी नहीं है। अब इसमें से बस याद किया जा रहा है और याद भी बहुत सारा हो चुका है, पांच पांच लेसन तो कभी का हो चुका है। अब यहाँ पर मैरिट और डीमेरिट क्या करना है, आप लोग को तीन तीन पॉइंट अच्छी तरीके से याद करना है, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसका क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आओगे तो एक चीज दिया गया, पेज नंबर 21 पे स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल, इसको अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। उसके दौर आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक 22 पेज नंबर पे एक बॉक्स बनाया, येलो बॉक्स, यहाँ पर लिखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ही बताया गया, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा बता दिया गया, एलिमेंट्स आर द अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखते, दूसरा वर्टिकल कॉलम आर दिस इज ग्रुप और देयर आर दिस 18 ग्रुप, दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट्स इन दिस सेम ग्रुप सो सिमिलरिटी ऑफ द ग्रेडेशन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद देखो इसमें से और कुछ भी नहीं करना है और आ जाते आगे, यहाँ पे पेज नंबर जो दिया गया आप लोग को पेज नंबर 24 पे एक वैलेंसी करके डिफिनेशन है, वैलेंसी डिफिनेशन आप लोग को अच्छे तरीके से करना रहेगा। अगर इसमें से नहीं समझ में आता डाइजेस्ट निकाल लेना, उसमें वैलेंसी का डिफिनेशन है। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक एटॉमिक रेडियस करके दिया है, रेडियस दिया है बट उसका डिफिनेशन यहाँ नहीं बताया गया, पेज नंबर 25 पे, तो इसको भी आप लोग को करना रहेगा 25 वाले पेज पर। एटॉमिक रेडियस, देखो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड दिस एटम्स, इट इज द आउटर मोस्ट सेल, एटॉमिक साइज दे दिया था। बाकी आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपने से डाइजेस्ट से क्या करना, एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन याद करना। उसके दौर आगे आ जाओगे, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का आप लोग को एक्सरसाइज में दिया गया, नहीं तो भैया ए वाला जो डायग्राम के रिलेटेड आता है, क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कभी कभी, तो ये भी आप लोग को करके रखना रहेगा। उसके तो और कुछ भी इधर से नहीं करना है और आगे आ जाते पेज नंबर 28 पे एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज से मैं ऑलरेडी बताया कि आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट,
ये सब आप लोग को करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, और इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इस बार भी आप लोग को यूनिट टेस्ट में देखने के लिए मिला रहेगा। तो इसको करके रखना, ये बोर्ड एग्जाम प्लस आप लोगों का प्रीलिम प्लस आप लोगों का यूनिट सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसको करके रखना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फोर है, फाइव है, फोर नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करना मत करना तो मत करना। क्वेश्चन नंबर पाँच करना आप लोगों को, सिर्फ सिंबल लिखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपको पहला मॉडर्न, देखो मेंडेलियन पीरियोडिक लॉ अच्छी तरीके से आप लोग करना है, स्ट्रक्चर करना है, ये दोनों अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना ए और बी। क्वेश्चन नंबर सातवें का पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर सातवें का अच्छे तरीके से उसने ए बी सी डी, ए बी सी डी अच्छे तरीके से इतना रट्टा मार डालो, ये क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म है, ये क्वेश्चन आना ही, ए बी सी डी ए क्वेश्चन कंफर्म है आप लोग को, फर्स्ट सेमेस्टर हो 100% देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसमें से 100% आता है। इसके लिए एक क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो पांचों का डालो, जितना दिया गया है पांचों का डालो, नहीं करना चाहते हो चार क्वेश्चन करी के रख लो, ए बी सी डी चार क्वेश्चन, अगर करना है तो पांचों करो, बट नहीं करना है तो चार क्वेश्चन एटलीस्ट करके रख लो, एकदम अच्छे तरीके से उसको रट्टा मार डालो, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर आठवां पूरा कंप्लीट करना है, सिर्फ नाम लिखना है, इस तरीके से आप लोग का दूसरा भी लेसन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे लेसन में क्या करना चाहिए, तीसरे लेसन में देखो यहाँ पर दिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा आप लोग को इसके रिलेटेड साइंस, जैसे मैं आप लोग को साइंस वन बता रहा हूँ उसी तरीके साइंस टू का भी बताऊंगा, उसी तरीके से मैथ का भी, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम 110% बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर मेरे रूल से प्लस हम लोग को जो बता रहे हैं उसके हिसाब से किए। स्कूल में बस अब इस समय बस आप लोगों का पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा, ना कुछ मालूम पड़ेगा ना कुछ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, इसके लिए कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ा जाए वो चीज़ बता रहे हो। दो लेसन हो गया, अगर चाहोगे तो एक घंटा में दोनों लेसन कंप्लीट कर सकते हो, जो मैं 5 घंटे का दिया तुम 2.5 से 3 घंटा में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जो पेज नंबर आप लोगों का 30 दिया है, 30 उसमें से केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन जो दिया गया है एंड इक्वेशन, उसमें से केमिकल जो इक्वेशन दी केमिकल रिएक्शन उसका डिफिनेशन सबसे ज़्यादा इसमें परिभाषा याद करना रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन पेज नंबर 30 पे, 30 पे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया जो दिया गया उसको आप लोग को, रिएक्शन दिया गया उसको आप लोग को करना रहेगा, पहला वाला हो गया है केमिकल रिएक्शन का। पेज नंबर आ जाओ पेज नंबर 31 पे, कुछ भी नहीं करना है, पेज नंबर आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर 32 पे, 32 पे केमिकल इक्वेशन दिया है, केमिकल इक्वेशन का भी क्या करना रहेगा आपको डिफिनेशन, और एक एग्जाम्पल प्लस आप लोग को क्या करना रहेगा इसका डिफिनेशन। बस आप लोग का अगर सपोज मान लो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा डिफिनेशन कर डाले तो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके राइटिंग केमिकल इक्वेशन ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, पेपर में किस तरीके से लिखते ये नहीं पूछा जाता, बट आप लोग को क्या करना रहेगा यहां पर और आगे आ जाओ, यहां पे दिया गया पेज नंबर 34 पे बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या चीज होता है, व्हाट इज दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर्स ऑफ, देखो यहां पे दिया गया है क्या लिखा गया, द नंबर्स आइटम्स दोज एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट सच अ इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अगर इक्वल रहेंगे, रिएक्टेंट मतलब इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो आप लोग बोल सकते हो बैलेंस इक्वेशन है, बस इतना समझ के रखना ये डिफिनेशन है। उसके बाद आप लोग और आगे आओगे तो क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 35 पे, उसे एक टाई से केमिकल रिएक्शन है, उसे जितना ब्लैक लाइन दिया गया है, देखो यहाँ टाई से केमिकल रिएक्शन है, जितना ब्लैक लाइन दिया गया सब आप लोग का कंबाइंड रिएक्शन, उसका एक एग्जांपल एक और उसका डिफिनेशन, ब्लैक डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका एक एग्जांपल एक आपको करना है उसका डिफिनेशन, और उसके बाद आप लोग को पूरा इसे जितना दिया गया है टाई से केमिकल रिएक्शन उसको आप लोग को करना। उसके बाद आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका भी ब्लैक लाइन और उसके बाद एक एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट एक लाइन एक एग्जांपल। उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्या करना आप लोगों को, सिंपल सा डिफिनेशन याद करना, डिफिनेशन प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा, पेज नंबर 38 पे डिफिनेशन हो जाएगा और 39 पे आप लोग को दोनों एग्जांपल दिया। देखो यहाँ पर एंडोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है,
ये दोनों डिफिनेशन, ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लो, 100% हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, एक आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करना। क्या चीज देखो, ये चीज सोचने से नहीं, इसको जो पढ़ा रहता है उसको समझ में रहता है, वो चीज बताता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन दो दो पॉइंट याद कर लेना। देखो वो ये बोर्ड भी आओगे देखे तो भी बताओगे सर जो जो बताया ना सम आया था, सब वही क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट सेमिस्टर का भी इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसने से चार पॉइंट दिया। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें से आप लोगों को क्या करना है, चार पॉइंट दिया उसने से तीन पॉइंट याद कर डालना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 39 पे है। उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुमको पेज नंबर 41 पे दिया गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और एक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट दिया गया है पेज नंबर 41 पे, सबसे वो टॉप पे ब्लैक लाइन है, उसको अच्छे तरीके से करके रखना, वो डिफिनेशन है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, और आगे आ जाओ पेज नंबर, पेज नंबर आ जाओ 44 पे। पेज नंबर 44 पे एक कोरेशन करके दिया, कोरेशन का आप लोग को क्या करना है, रस्ट का। देखो रस्ट यहाँ दिया, व्हाट इज दिस रस्ट, और रस्ट का फार्मूला Fe2O3.H2O, ये क्या है, यहाँ पे तुमको केमिकल फार्मूला दिया गया किसका, रस्ट का। और कोरेशन का डिफिनेशन कहाँ दिया गया, इसके नीचे देखो यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है आप लोग को, यहाँ पर ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट एटमोस्फियर ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल टेक द प्लेस कॉन्स्टेंटली रिजल्टिंग इन देयर द डैमेज, दिस इज कॉल्ड द कोरेशन। और उससे क्या हो जाता है, आयरन रस्ट ऑफ दिस एंड दिस रेडिश कलरेड लेयर ऑफ द कलेक्टेड ऑन इट, मतलब उससे क्या हो जाता है, लेयर आ जाता है और उसके बाद वो खराब हो जाता है, रेडिश कलरेड आ जाता है। ये चीज आप लोग को रस्ट का भी हो गया, कोरेशन का भी बता दिया आप लोग को। रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना। क्या चीज याद करना, शॉर्ट नोट याद कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांचवा। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर पहला तो आप लोग को करना ही, फिलिंग द ब्लैंक से। क्वेश्चन नंबर दूसरे में से आप लोग को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे से अगर कर रहे हो तो इसमें से सी वाला क्वेश्चन नंबर सी अच्छी तरीके से करना चाहिए, सी ए और सी, ए सी अच्छे तरीके से अगर करके रखते तो भी चलता है, ए और सी अच्छे तरीके से। देखो व्हाट इज द रिएक्शन, दिस यहाँ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक अ प्लेस अ साइमल्टेनियसली, एग्जाम्पल से दिया गया विथ वन एग्जाम्पल। और इसमें तीसरा है एक्सप्लेन दिस टर्म ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस प्रोडक्ट गिवन द एग्जाम्पल, इसको करना रहेगा। उसके बाद बस आप लोग को इसे ये दोनों करके रखो। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया ये आप लोग को पूरा करना है, क्योंकि ये चीज अंदर में आप लोग को बताया, टाइप्स ऑफ द केमिकल, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप लोग को कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। अगर इसको सुन के लिए तो नहीं समझेगा, इसको बुक ले लो और एयरफोन कान में अच्छी तरीके से लगा के तब इसको टिक आउट करते जाना, और पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा तभी आप लोग को समझेगा। अब यहाँ लेसन जो क्वेश्चन नंबर जो फोर है उसमें से कौन सा करना चाहिए, देखो इसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें से ए बी और डी रिकमेंडेड एयर टाइड वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें से अगर आप लोग को और ज़्यादा करना है तो तीन क्वेश्चन करो, ए बी डी, ए बी डी अच्छी तरीके से करके रखना, कौन ए बी डी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी वाला है, बी और डी, बी और डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ, और उसे ए बी डी दे रहा हूँ, ए बी डी करना है बट उसमें से दो परफेक्ट करना है, बी और डी। अब ये हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है छठवां। देखो छठवां क्वेश्चन जो है और सातवां तो मैं बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको कर लेना, और इसे आइडेंटिफायर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दिया उसको, और यहाँ मैच द कॉलम, सातवां आठवां नौवां अच्छे तरीके से करके रखना, क्योंकि ये पेपर में आता है। अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से क्या किया जाए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से आप लोग को करना चाहिए, देखो सब बता रहा हूँ इसके लिए ध्यान से देखो। इसमें से पेज नंबर जो दिया गया 48 पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछा गया है, क्या चीज़, ये चीज़ जूल लॉ ऑफ द हीटिंग।
देखो जूल लॉ ऑफ द हीटिंग कहां से, देखो इतना आप लोग करना है, इतना ही आप लोग को करना है, बस जूल ऑफ द हीटिंग इसको कर लेना। उसके बाद आ जाओ यहां पर, एक दिया गया यूज ऑफ द कोल, यूज ऑफ द कोल को डायग्राम, देखो यहां बल्ब का एक डायग्राम है, डायग्राम प्लस उसका थोड़ा सा उसके बारे में क्या करना, साइड में दिया है सर्वल कितना वोल्टेज होता है, क्या चीज होता है, टेंगस्टन किसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, सोलेनाइड क्या होता है, सब कुछ थोड़ा सा बस पढ़ के रख लेना, ए डायग्राम का नाम याद रखना, प्लस बाजू में दिया गया उसको अच्छे तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, पेज नंबर आ जाओ यहां पर, पेज नंबर 50 पे आप लोग को, पेज नंबर 50 पे आप लोग को ए दिया गया। देखो अगर इसका यूजेस आप लोग को टेक्स्ट और डाइजेस्ट से मिल जाता है तो यूजेस से दो दो पॉइंट याद कर लेना, यूजेस क्या यूज में आते हैं, ध्यान से सुना, एक्सरसाइज से भी कर लोगे तो भी चलेगा, तो आप लोग को बता रहा हूं ध्यान से सुना। और उसके नीचे आप लोग को और क्या करना चाहिए, देखो पेज नंबर आ जाओ 53 पे, पेज नंबर 53 पे आप लोग को राइट हैंड थंब रूल अच्छी तरीके से करना चाहिए और डायग्राम के साथ, डायग्राम हाथ वाला मत बनाना ऐसा करके, आप लोग को जो भी डायग्राम में दिया क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, राइट हैंड क्या कर रहा है, उसको अच्छी तरीके से राइट हैंड थंब रूल अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाओ, तुमको और क्या करना रहेगा देखना ध्यान से, पेज नंबर आ जाओ यहां पर, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर फील्ड करंट सोलेनाइड, सोलेनाइड और इससे कुछ भी नहीं करना है। अब इधर पेज नंबर जो दिया गया तुमको 55 पे देखो, ये सब मैं आप लोग को किस लिए बता रहा हूं कि आप लोग अच्छा नंबर लाओ, इसके लिए बोलता हूं ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छी तरीके जो बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे में, 5 घंटे का मैं बोला ना उससे कम में भी हो जाएगा, बस आप लोग को जो जो बता रहा हूँ रूल बताया, सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ज्यादा बताया ही नहीं हो। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायग्राम, देखो ए वाला नहीं बनाना है, ए वाला बनाना, क्या इंड फोर्स अदर कंडक्टर थम क्या कर रहा है, उसके क्या कर रहा है, सिर्फ उससे सबका नाम भी याद करना, नेमिंग क्रिएचर करने के लिए भी आ सकता है, प्लस उसका डिफिनेशन अच्छी तरीके से, मैं डिफिनेशन का बात कर रहा हूँ, डिफिनेशन परिभाषा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो एक्सरसाइज में तो उसको तो करना ही रहेगा मेरे भाई। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर दिया गया देखो एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके दिया गया, उसका शॉर्ट नोट याद करना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन करके दिया गया है पेज नंबर 56 में, 56 पे एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन करके दिया, उसको अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आ जाओ गैलेनोमीटर का यूजेस, गैलेनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है ध्यान से सुना, इसी में दिया गया गैलेनोमीटर इज इसका गया गैलेनोमीटर, गैलेनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, बस एक बार बस पढ़ लेना आप लोग का हो जाएगा गैलेनोमीटर का यूजेस, एक बार बस पढ़ोगे हो जाएगा गैलेनोमीटर का यूजेस, बस यूज पढ़ लेना बस हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना, गैलेनोमीटर का यूजेस अच्छी तरीके से पढ़ के रखना। उसके पेज नंबर आ जाओ 58 पे आप लोगों को फराडे का लॉ दिया गया, उसको अच्छी तरीके से करना इंडक्शन, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, सिर्फ रूल मतलब उसका परिभाषा और उसके बाद उसका डायग्राम। अब आ जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर, आ जाओ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में से आप लोग को क्या करना रहेगा, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पहला आप लोग को करना है, एक्सरसाइज से पेज नंबर 60 पे ये पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कंट्रेक्शन और वर्किंग दोनों करना अच्छे तरीके डायग्राम के साथ। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आप लोग को यहाँ पे देखो मोटर अराउंड द एक्सल एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इंडक्शन मीन्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है एसी जनरेटर और डीसी डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट, क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्वेश्चन नंबर पहला करना, क्वेश्चन नंबर दूसरा करना, क्वेश्चन नंबर चौथा करना, क्वेश्चन नंबर पांचवा जो है पांचवे में पूरा अच्छे तरीके से यूजेस याद करना, और सर्किट शॉर्ट सर्किट का आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर शॉर्ट नोट याद करना, शॉर्ट नोट शॉर्ट सर्किट का, शॉर्ट सर्किट का आप लोग को क्या करना है यहाँ पर शॉर्ट नोट याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 61 पे इसमें से कौन सा किया जाए, देखो तीन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी सी आप लोग को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ए वाला, कौन सा, इन दिस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट आर द आयरन इलेक्ट्रिक हीटर बॉयलर टोस्टर एक्सेट्रा दिस ऑयली दिया सच आर द नाइक्रोम
यूज टू नॉट प्योर मेटल, ये चीज आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना, ए बी सी अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ, नौवां करना है अच्छी तरीके से, दस नहीं नौवां नहीं करना है आप लोग को, दसवां ग्यारहवां अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना, बस इतना ही आप लोग को करना है। जो सुनता रहेगा उसी को समझ में आएगा, अगर जो नहीं सुनेगा टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठा रहेगा उसको नहीं समझ में आएगा, बाद में बोलेगा क्या इतना देर से बताया कुछ समझा ही नहीं। तो ध्यान से सुनना, जितना क्वेश्चन बताऊं बस उतना ही आप लोग को करके रखना, बस एक बार बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो जो बता रहा हूं उसको एक बार टिकआउट तो एटलीस्ट कर ही लेना। अब आता है पेज नंबर जो 62 दिया, 62 उसने लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का क्या करना रहेगा, देखो लेटेंट हीट पेज नंबर दिया गया है तुमको 63 पे, उसका डिफिनेशन है सिर्फ ब्लैक ब्लैक लाइन इसमें से ज्यादा करना है। देखो इसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फिजन दिया गया, दूसरा दिया वेपराइजेशन दिया गया है, ये सब डिफिनेशन है। रेगुलेशन दिया गया है, इसमें से ए बर्फ वाला अच्छी तरीके से करके रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आइस वाला। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम कोई आइस का आइस क्यूब ले लो उसका पूरा, और उसमें एक धागा डाल के उसे थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे ना, तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, धागा बीच में आ जाएगा, इजिली दोनों साइड से उठा सकते हो, ये प्रैक्टिकल है। रेगुलेशन अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद एनोमलियस बिहेवियर ऑफ दिस वाटर, ए तुमको क्वेश्चन आंसर में दिख जाएगा, इधर से कुछ नहीं करना। होप ऑपरेटर्स का डायग्राम, होप ऑपरेटर्स का डायग्राम देखो, होप ऑपरेटर्स का डायग्राम प्लस इस साइड में थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना रहेगा क्या चीज है, ये मैं एक्सरसाइज से आप लोग को बता दूंगा। अब यहाँ पर आ जाता है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट मतलब ओस हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब नमी हो गया। अब इसमें से देखो यहाँ पे दिया गया, देखो इसका ये ब्लैक वाला लाइन जो दिया गया, सपोज अनसेचुरेटेड दिया गया, अनसेचुरेटेड दिया गया अच्छी तरीके से, एयर द सर्टेन अदर टेम्परेचर इज टेकन अदर टेम्परेचर इज दिस डिक्रीसेड आदर टेम्परेचर रिचेज आद विच दिस बिकम द सेचुरेटेड विद दिस वेपर दिस इज टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट ऑफ दिस टेम्परेचर। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। और उसके बाद क्या करना रहेगा ध्यान से सुनना, अरे ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी अच्छी तरीके से करके रखना, यहां पर भी दिया ह्यूमिडिटी का यूनिट पेज नंबर 67 से यूनिट ऑफ हीट अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना है। उसके बाद पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर और हाँ पेज नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफ द कैपेसिटी दिया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पेज नंबर 68 पे, यहाँ पर एक ब्लैक लाइन दिया गया, व्हाट इज दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक वाला लाइन अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। और उसके बाद पेज नंबर तुमको आ जाओ 69 पे, एक फिर से ब्लैक लाइन दिया, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय दिस हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट एनर्जी गेनेड बाय दिस कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हॉट वाला अगर तुम एक यही सपोज मान लो यही चीज है मार्कर, अब मार्कर पे क्या करो, अगर स्टील का ये है तो एक तरफ से क्या ए वाला है, अगर मैं इस वाले भाग को गर्म कर रहा हूं तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हॉट है गर्म वाला क्या करेगा ठंडे की तरफ क्या होगा ट्रांसफर होगा। हीट कैसे होता है, हीट हमेशा नॉर्मल की तरफ कोल्ड के साइड में क्या होता है जाता है, ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल ऑफ द हीट एक्सचेंज का, उसको अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद ये पेज नंबर 69 का पहला वाला जो सॉल एग्जांपल है उसको अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद तो और क्या करना रहना चाहिए आपको, पेज नंबर आ जाओ 71 पे, पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से करो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करो, और क्वेश्चन नंबर जो दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँचवा अच्छी तरीके से करो, क्वेश्चन नंबर छठवें का ए करो, ध्यान से सुना ए अच्छी तरीके से करो, व्हाट इज द रोल ऑफ द एनोमलियस बिहेवियर ऑफ द वाटर प्रिवेंसिंग प्रिवेंसिंग दिया गया, एक्वायरियस एक्वाटिक लाइफ ऑफ द रीजन कोल्ड क्लाइमेट, इसको अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 72 पे, 72 पे आप लोग को पहला देखो इसमें से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसके लिए व्हाट इज द मेंट बाय द लेटेंट हीट ये भी करना रहेगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ये भी करना रहेगा, एक्सचेंज, इसमें से चारों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना है। क्वेश्चन नंबर आठवां तो छोड़ के नहीं जाना, आठवां तो अच्छे तरीके से करके जाना। इस तरीके से मैं आप लोग को 6 लेसन का जो था आप लोग का साइंस का वो 5 लेसन का कंप्लीट बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस किस तरीके से पढ़ना है क्या क्या चीज पढ़ना है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चीज अच्छी तरीके ढूंढने में प्लस इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही समय लगता है दोस्तों। आप लोग के लिए इतना हम लोग करते हैं, बस आप लोग को क्या करना है सपोर्ट और प्यार जितना सकता है, बस आपको क्या करना है अपने खुद देखना है प्लस अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, बस यही मुझे चाहिए।
बस आप भी देखो और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो।